के प्राणी हो, तो उम्मीद करता हूँ सबकी प्रिपरेशन बिल्कुल सॉलिड चल रही होगी। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि मैं आज शेयर करूंगा कुछ ऐसे रीजन जो हमें लैग बिहाइंड कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारे जो चांसेस होते हैं हमारे फेलियर के वो बढ़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों का आप लोगों के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल इन बातों को दिमाग में डाल के चलना, और अगर आप लोग भी इसी ये चीज फॉलो कर रहे हैं ना तो इन चीजों को दूर रखना, ठीक है। तो मैं अब ये वीडियो शुरू करूंगा, उससे पहले अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, @13avril मेरा यूजर नेम है। तो ठीक है, कोई भी डाउट हो आप लोग वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। पहली गलती, हम ये सोचते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12th में पढ़ रहे हैं या जिनके अभी जस्ट 12th अभी पास आउट करी है और उसके बाद उन्होंने अभी ड्रॉप लिया है, तो देखिए उन स्टूडेंट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोगों की मेंटेलिटी ये होती है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि यार जिन्होंने 90% स्कोर करा है या 90 अबव हैं वही कैपेबल हैं नीट को मतलब क्रैक करने के लिए। देखिए पहली बात, ये चीज़ दिमाग से निकाल देना, असली गेम जो स्टार्ट होता है ना वो 12th के बाद स्टार्ट होता है। आप 70 वाले हैं, 80 वाले हैं, 90 वाले हैं या 50-60 वाले हैं, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपने कंपटीशन के लिए कितना मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि जो 90% ला रहा है वो ही कैपेबल है, वो ही कर पाएगा। एक्चुअली मैं बोलो एप्लीकेशन पे अवेलेबल हूँ, आज से 2 दिन पहले मेरे 1-to-1 सेशन था एक स्टूडेंट का जो कह रहा था कि मतलब वो अभी 12th में पढ़ रहा है और साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो मेरे से यही पूछ रहा था कि भैया हम तो मेरे तो 70% वाला हूँ, मेरे को उम्मीद है मैं 70 कुछ ला पाऊंगा और नीट में तो इतना कंपटीशन हाई है, तो क्या मतलब मेरे चांसेस हैं। तो बस मैं वही इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इसलिए रखा है कि देखिए ऐसा नहीं होता कि हम लोग अगर सोचते हैं कि 90% जो स्कोर करा भाई वो ही पेपर फोड़ेगा, ना ये चीज़ नहीं मैटर, ये करता है कि हमने कितना मेहनत की है कंपटीशन के लिए। वो 12th बेसिस की बात अलग होती है, बट 12th के बाद किसी स्टूडेंट को क्या होता है कि 12th के बाद अकल आती है, वो 12th के बाद मेहनत शुरू करने लगता है, कोई पहले कर लेता है। तो अगर आप 12th में हैं, 12th पढ़ रहे हैं या 12th के बाद आप लोगों के कम परसेंटेज आए हैं बट फिर भी आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट अपने दिमाग से ये निकाल देना कि आप लोग क्या कहते हैं नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे। और वो बोलो एप्लीकेशन पे, हाँ अगर आपको 1-to-1 वीडियो कॉल सेशन करना है आप लोग मुझे बोलो एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो कॉल रजिस्टर कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, हम तीनों सब्जेक्ट को इक्वली नहीं लेते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से फेलियर हमें झेलना पड़ सकता है। क्या हम लोग क्या करते हैं, एक दिन बायोलॉजी पढ़ी तो पूरा दिन बायोलॉजी ही पढ़ते रहेंगे, केमिस्ट्री पढ़ी तो केमिस्ट्री ही पढ़ते रहेंगे, और फिजिक्स से तो वैसे ही काफ़ी डर लगता है, तो फिजिक्स से तो काफ़ी स्टूडेंट होता है 36 का आंकड़ा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी टाइम है, अब टाइम है का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मजे से पढ़ना है, नहीं टाइम है, हम लोग अगर चाहें तो तीनों सब्जेक्ट को अभी इक्वली हमें टाइम देना है, तभी जाके हम आगे कवर कर पाएंगे। अभी हम सोचे कि यार बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, फिजिक्स को इतना ध्यान नहीं देते। देखिए कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, आप लोगों को पता है अब 550 भी एक सेफ नंबर नहीं है, तो ये चीज़ तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं कि हाँ किसी का फिजिक्स वीकर पॉइंट होता है, किसी का बायोलॉजी, किसी को केमिस्ट्री, तो अपने जो वीकेस्ट पॉइंट पर उस पर मेहनत करो, उसको इम्प्रूव करो और इतना उसको इक्वली लेके चलो, ये नहीं कि उस चीज़ को इग्नोर मार दो, इग्नोरेंस नहीं चाहिए हमें, तीनों सब्जेक्ट में हमें मेहनत करनी है, तीनों सब्जेक्ट को ले कर चलना है, तब भी कंबाइन हमारा जो स्कोर होगा वो सेफ जोन पर पहुँचेगा और हमें कट ऑफ पार हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमें ये होता है ना, हम लोगों का नेचर क्या है, कल पे टालने का नेचर, जो काफ़ी स्टूडेंट ये होते हैं यार आज कुछ समझ नहीं आ रहा, आज फिजिक्स से न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, हमने फिजिक्स से न्यूमेरिकल करे, हम लोग कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल नहीं आए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट का नेचर ये होता है कि सब कुछ छोड़ देते हैं कि यार मूड खराब हो रहा है। हाँ बहुत स्टूडेंट देखना आप लोगों में से भी ऐसा होगा, मूड खराब हो रहा है फिर क्या करेंगे, मूड खराब होगा चलो कोई मूवी देखने लग जाते हैं, मूवी देखते 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 पूरा टाइम उस पर निकल जाएगा, या किसी दोस्त से बात कर लेते हैं, किसी को फ़ोन कर लेते हैं पूरा टाइम, फिर वो कहेंगे चलो आज चिल मार लेते हैं, आज फिर हमारा क्या होता है, हमारी ये आदत बन जाती है, हम लोग क्या होता है फिर हमें दूसरे दिन फिर अगर वो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फिर हम यही चीज अपनाएंगे, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट। और ये चीज ध्यान रखना, अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग उससे ब्रेक लेने के लिए कोई और सब्जेक्ट में स्विच करें, ये नहीं कि बिल्कुल पढ़ाई खत्म कर दें। काफ़ी स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि भैया कभी कभी कुछ सब्जेक्ट नहीं होते हैं, दिमाग ख़राब होता है, उसके बाद पूरा टाइम मूवीज़ देखने में, टाइम पास करने में, नहीं ये चीज़ आपको पीछे लेती जाएगी, पीछे करती जाएगी, तो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये तभी वीडियो बनाई गई है कि ये पॉइंट सबके साथ होते हैं, फेस करते हैं, आप लोग फेस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो नेक्स्ट बात आती है वो होती है कंपैरिजन।
अब होता क्या एग्जैक्टली, हम लोग कहीं कोचिंग में जाते हैं, या हमारे कोई कोचिंग जो नहीं जाते उनके में साथ क्या होता है, किसी के में रिश्तेदारी में कोई दो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई दो फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर साथ वाले के नंबर ज़्यादा आ गए हैं, एक नेचर वाले इंसान ये होते हैं कि यार जो सोचते हैं कि नहीं यार अब मुझे मेहनत करनी, इससे ज़्यादा स्कोर करना है। दूसरा नेचर का इंसान क्या होता है, वो ये सोचता है कि यार मैं मेहनत तो कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहे, डीमोटिवेशन आ जाता है उसके अंदर। तो ये कहूँगा कि कंपैरिजन छोड़ दो, हर वीडियो में ये कहता हूँ, 3 घंटे क्या पता दे रहे हो, तो कंपैरिजन छोड़ दो, मेहनत करते जाओ। कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन करना चाहिए। कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा, वो कर लेगा, उसने इतना पढ़ लिया, उसने इतना कर लिया, उसको उसकी थाली में झाँकोगे तो अपनी थाली का कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उसको छोड़ दो, अपने पे फोकस रखो कि आपने क्या करना है। अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ, टारगेट बना के अपना सिलेबस पूरा करो। अपना टारगेट को अचीव करोगे ना, जो फिर खुशी मिलेगी, वो इंटरनल खुशी मिलेगी, वही आपको आगे मोटिवेशन देगी। मोटिवेशन कहीं इधर उधर से नहीं आएगा। मोटिवेशन करने के लिए अपने छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि हाँ इतने टाइम पे मैंने ये सब्जेक्ट करना है, इतने टाइम पे मुझे इतना करना है। वो जब चीज़ें अचीव कर लोगे ना, तो आपके अंदर एक फाइट करने की हिम्मत आएगी, मोटिवेशन मिलेगा, दम आएगा। तो ये कंपैरिजन नहीं मत करो, कंपैरिजन नहीं कंपटीशन करो, ठीक है। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट का ये होता है कि यार वो हार्डवर्क नहीं करते, कि हाँ यार हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, बीच में आके कहीं, अभी तो नहीं, अभी तो काफ़ी, मतलब ये आप समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर में आके काफ़ी स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये होती है कि यार हमसे नहीं होगा, अब कुछ और सोचते हैं। नहीं, ये चीज़ ना काफ़ी स्टूडेंट को पीछे वहीं से खींच देती है। हार्डवर्क जिस दिन पेपर होना उसे एक दिन पहले तक करो, ये दिमाग में लाने नहीं मत देना कि हमसे नहीं होगा। कॉम्पिटिशन हाई है, कोई दिक्कत नहीं, कट ऑफ हाई है, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रख मेरा जिगरा उससे ज़्यादा हाई है। तो हिम्मत, मेहनत करनी है, ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार प्रिपरेशन करते समय काफ़ी काफ़ी स्टूडेंट को ये होता है कि यार कभी कभी क्वेश्चंस नहीं बनते, कभी नंबर कम आते हैं, कभी फेस ऐसा चल रहा होता है कि टॉन्टिंग चल रही होती है, प्रेशर आ रहा होता है टीचर्स से, फैमिली मेम्बर से, तो हम लोगों को ये लगने लग जाता है कि यार ये अपने बस का है ही नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि हार्डवर्क करें, ये मत सोचना कि यार क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। बहुत चीज़ें लाइफ कभी एंड नहीं होगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में सक्सेसफुल हो, क्या पता आपके लिए कुछ और बनाओ, बट अभी नहीं, अभी जो चीज़ में अटके हैं, जो चीज़ के लिए लगे हुए हैं उस पे ही फोकस दें, उसके अलावा कोई और ऑप्शन को तो दिमाग में लाना ही नहीं है। ये मैं आप लोगों से अभी कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये होते हैं कि यार सोचते हैं यार छोड़, बहुत कट ऑफ आई जाती है, अब प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिया है बट अब दिमाग में ये आ रहा है कि कट ऑफ आई जाती है, यार या तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर दे और या तो ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए। अब जब सोच लिया कर रहे हो तो ये मत सोचो कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। पहले अपने दिमाग में को ठंडा रखो। एक स्टूडेंट था, हैं पूरे लास्ट ईयर मेरे को अभी तक याद है, आई थिंक वो 200-250 स्कोर करता था जनवरी तक टेस्ट में, जनवरी तक 200-250 स्कोर करता था। एंड अब जैसे ही उसका रिजल्ट आया, वो उत्तराखंड से बिलोंग करता था और वहाँ पे मतलब कट ऑफ आप मान के चलिए 535-540 तक है, तो उसके 558 ऐसे कुछ समथिंग स्कोर आया। बट उसने क्या करा, उसके अंदर एक फाइट बैक की स्पिरिट थी, वो कभी ये नहीं सोचता था, मेरे से वो लिंक में रहता था कि भैया जब उसके 200-300 नंबर आते थे कहता था भैया नंबर नहीं आ रहे मुझे, वो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता कि भैया ये बताओ कि इम्प्रूव कैसे करें। वो कभी ये नहीं पूछता था मेरे से, या ये नहीं कहता था कि भैया मेरे से नहीं होगा। उस फाइट बैक की स्पिरिट रखो, हर चीज़ पॉसिबल होती है, हर चीज़ अपने आप ही होती जाती है, बट एक शर्त होती है कि हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क प्लस डेडिकेशन, ये चीज़ होती है। और जो लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट पॉइंट ये होता है कि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं कि टाइम टेबल नहीं बनाते। देखो टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंट्रोवर्सी ये है कि नीट का पेपर फेब में होगा या नीट का पेपर एक बार होगा या दो बार होगा, ये चीज़ें हैं, एम्स वेम्स सब साथ हो ऐसा। देखिए ये चीज़ें सिर्फ दिमाग ख़राब करने के लिए होती हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी पूरी लेके चलिए कि हाँ आपने जनवरी तक पेपर मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने रिविज़न करना है। तो ये चीज़ जब आप मैप बना के रखेंगे ना अपने, तो उसको फॉलो करने में आसानी होगी। अब देखिए कहीं भी आपने जाना होता है, आप पूछेंगे इधर उधर तो दिक्कत आएगी, बट आप मैप खोलते हैं, गूगल मैप खोलते हैं कुछ भी, तो आपको रास्ता पता होता है, आपको बस चीजें ही तो फॉलो करनी होती है। तो एक अपना मैप फिक्स कर लीजिए। आज जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, मैं सबसे यही कहूंगा कि एक अपना मैप फिक्स कर लीजिए, उसके पाथ डिसाइड कर लीजिए कि आपने ये टाइम पे इतना वो करना है, ये टाइम पे इतना वो करना है, और बस उसको फोकस रखे और देखना कुछ ना कुछ तो होगा। हम डरने वालों में से नहीं, हम लड़ने वालों में से हैं, हम फाइट बैक करेंगे, हम लड़ते रहेंगे और हम करते रहेंगे, और रिजल्ट जिस दिन आएगा ना उस दिन कमेंट में लिख के आएंगे कि भैया फोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, समझ में आएगा कि क्या क्या रीज़न होते हैं जो हमें बिल्कुल पीछे खींचते रहते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक
शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो अनअकैडमी में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं भी अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर हूं और मेरे 10th अगस्त से एनिमल किंगडम स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पे हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वहां पे लाइव हम पढ़ाते हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं नीचे लिंक दे दूंगा, और साथ में अगर आप एक कोड दूंगा अवरल ब्लॉग्स वो यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलता है। कोई भी डिटेल अनअकैडमी के लिए आप लोगों को चाहिए, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।